भिलाई तीन के एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। भिलाई तीन थाना अंतर्गत हथखोज स्थित टेथिस केम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड एवं स्थानीय पुलिस पहुंची, जहां आग पर नियंत्रण पाया गया। ये हैवी इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज के अंतर्गत आता है, थिथिस केमिकल करके कंपनी है। यहाँ पर सूचना आई कि 12:40 बजे जो है आज दोपहर में आग लग गई है। सूचना मिलने पर तत्काल जो है सभी फायर ब्रिगेड और सबको सूचना दिया गया, आके जो है आग को बुझा दिया गया है। सर, कि जहाँ पता चला कि सर आग किस प्रकार से लगी, क्यों लगी है सर? ये केमिकल लोडिंग के दौरान आग लगना बताते हैं। कुछ वेल्डिंग जो है इनका अंदर का, वो मशीन का जो वेल्डिंग होता है वो टूट गया था, उस वजह से वो फिर केमिकल जो है वो बर्न हुआ है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, वाटर सिस्टम वगैरह तो लगे हुए हैं, बट उतना सफिशेंट वो उसकी जानकारी नहीं हो पाई है, अभी उसकी जाँच कर रहे हैं। और ये एक्चुअली 12:40 में हमारा मटेरियल बन गया था और इसको दूसरी जगह शिफ्ट करके रखा गया था, और जब टैंकर लोडिंग करने से स्टार्ट किया तो वो अचानक से वेल्डिंग टूट के मटेरियल निकलने लगा, उसके कारण आग पकड़। इसमें किसी का लापरवाही नहीं है, जो किसी कारणवश जो आग लगे इसमें नहीं, हमारे पास सारा सुरक्षा है। और हमने बहुत देर तक, आधा घंटा तक वेट किया और अपना खुद से कंट्रोल भी किया, जितना भी फायर एक्सचेंजर था हमने उसको कंट्रोल करके रखा, और जब उसके दरमियान गाड़ी आ गई और आग पे काबू कर लिया। कंपनी में क्या चीज़ होता है, क्या बनता है? क्या हमारा एल्युमिनियम ग्रेड पिच बनाते हैं हम लोग कोलतार से, और उसको एल्युमिनियम कंपनी में सप्लाई करते हैं। हमारा हर जगह पे पानी का पॉइंट है और फायर एक्सचेंजर हर जगह रखा हुआ है 200-500 लीटर का। सर, काम के दरमियान जो अगर वेल्डिंग वगैरह क्रैक हो जाए तो उस पर हम लोग का तो ये कंट्रोल रहता नहीं है, वो अचानक से हो जाता है। कितने प्राइस होंगे? 20 अप्रॉक्सली है हमारे।